साहब, ये हमने एक भैंस का किला लगा दिया है, उसके ऊपर मुर्गे को चढ़ा दिया है और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अपनी क्वालिटी दिखा रहा है। और ये हमने जो पीपा चरगा बनाएंगे इंशाल्लाह, आप देख रहे हैं हमने इसके ऊपर पीपा लगा दिया है, तो इसके इर्द गिर्द अब आग जलाएंगे। चले शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ लगा दो, सारे लगा दो, नहीं देखो चौके पर सुट रखा। मसाले चाल पा लिया करना, जेड़ा मसाला होता। और ये हमारा पीपा गोश्त तकरीबन तैयार हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। ये हमने जरा हटके इस दफा पीपा चरगा, सॉरी चरगा गोश्त कह रहा हूँ, चरगा बनाया है। तो अगर अभी इसको ज्यादा पकाया तो ये जलने का खतरा है। और ये माशाल्लाह जी हमने पीपा चरगा बना दिया है, तो आप देख रहे हैं इसकी, ये जलते जलते बचे, हम थोड़ी सी आग और तेज कर देते तो काम खराब हो जाता, और अल्लाह का शुक्र है। ये रोटियां खोले जरा, रोटी खोले, रोटी खोले, रोटी, और ये बच्चे भी लेके आए, ताज़ा ताज़ा रोटियां लेके आए हैं, और माशाल्लाह बड़ी ही शानदार रोटियां आ गई हमारे पास। ये अभी हमने खाना खा लिया है, तो खाना बहुत टेस्टी बना था। अब ये दूध ले आए हैं बच्चे, ये साथ ही गांव में है, वहाँ से दूध आ गया है खालस, उसकी चाय बन रही है हमारी बेहतरीन केतली में। ये रात के 3:30 बज चुके हैं, घूम लिया। उस्तादी उठो सुबह ली, माशाल्लाह ये सुबह के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं, बहुत ठंड है और धुंध भी है काफ़ी सारी, तो दरिया भी इतना वादे नज़र नहीं आ रहा, अब देख रहे हैं। तो रात बहुत अच्छी गुजरी और बहुत ही मज़ा आया हमें रात रहने का यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी नाश्ता बनाएंगे तो फिर वापसी का जो है सफर मान देंगे। और ये जब्बार साहब सुबह ही सुबह जो है नाश्ता कर रहे हैं, गन्ना चूप रहे हैं जी। तो जब्बार साहब रात आपकी कैसी गुजरी है? बहुत बेहतरीन रात गुजरी है माशाल्लाह, अंदर कैंप के अंदर ठंड नहीं है, बाहर मौसम ठीक है, ठंडा हल्का फुल्का है माशाल्लाह माशाल्लाह, कैंप के अंदर ठीक है, ठीक है कैंप सही रहा, ठीक है आपका। चलिए जी, बड़ी बड़ा बेहतरीन मजा आया। और ये पिछली दफा देख रहे थे आपने पिछले मेरे व्लॉग में, ये पानी बहुत कम था, अब तो तकरीबन पानी हर तरफ, और माशाल्लाह काफी पानी आया हुआ है यहाँ पे, ये दरिया की यहाँ पे बिल्कुल समुंदर की तरह इसकी जो है ना ये रेत है, और बड़ा प्यारा यानी कि इसका किनारा इसका,
बिस्मिल्लाह। जितनी ठंडा उतना ठंडा पानी नहीं है। आज सूरज निकलेगा बहरहाल मंदिर नजर नहीं आएगा, मुश्किल है, धुंध बहुत है। तो जब्बार साहब वो नाश्ता कर लो। ये बहुत ही मध्यम सूरज निकला है, लगता अभी तक सोया हुआ है, सही तरह जगा नहीं है। यार अपना जब्बार साहब ओ जड़ी जगह ही राती कैंपिंग करनी सी, नजर नहीं आ रही इस वे, डुब गई पानी तो चंगा ही फैसला लिया ना भी नहीं इतने करनी, बच बचा हो गया। हाँ उन्होंने तो फिर सानू कड़का देना सी, रात हमारा प्रोग्राम जो है वो मैं अभी दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। वो सामने हल्का सा जजीरा नजर आ रहा है, उसके साथ प्रोग्राम था हमारा वहाँ रात रहने का, मगर अल्लाह का शुक्र है दिल नहीं माना, तो वहाँ आप तकरीबन उसके इर्द गिर्द सारा पानी है, तो अगर हम रात रहते तो काफ़ी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती। हम ऊपर ऊँची जगह पर आके हमने कैंप लगाया,
और ये माशाल्लाह सुबह सुबह हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। ये खालस मक्खन, देसी घी के पराठे और अंडे आज हमने खुद तैयार किए हैं। जबार भाई ने अंडे तैयार किए हैं और ये साथ साथ सूरज का बेहतरीन नज़ारा। ये दरिया चनाब की सैर हो रही है इस टाइम और हम जो है ये रंगपुर रोड पे जो दरिया के अंदर घूम रहे हैं। पानी तकरीबन बहुत जगह पे 19 फुट भी है, बहुत जगह पे कम है। इस बार पानी जरा ज्यादा आ गया है, पिछले दफा पानी कम था। ये कश्ती वाले अपने दोस्त बन गए हैं और पीछे से इनको कुछ ऑर्डर भी है हमारा एक दोस्त का। ये बड़ी मोहब्बत में हमें यहाँ सैर करवा रहे हैं, इनकी मेहरबानी, शुक्रिया।